अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे साबूदाने की खीर। तो इसके लिए जो चीजें चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। 1.5 किलो ले लिया है दूध, आधा कप चावल लिए हैं, इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया और फिर इसके बाद हाथों से इस तरीके से मसल लिया। तो ये देखें, टोटा चावल हो गए हैं। आधा कप लिया है साबूदाना, इसको भिगो दिया था अभी 10 मिनट पहले ही। ये देखें, ये फूल चुका है, फूल के 1 कप हो चुका है। ये कंडेंस मिल्क लिया है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए हमने ये यूज कर लिया है। अगर हमारे पास कंडेंस मिल्क नहीं होता तो हम भी चीनी ही यूज करते हैं। 6 से 7 अदद इलायची ली है, इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको इस तरीके से पीस लिया है। ये कटे हुए बादाम हैं और कटे हुए खोपरे हैं डेकोरेशन के लिए। दूध बॉयल करने के लिए रखा है, साथ ही हम चावल डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, अब उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब चावलों को गलने तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल 10 से 15 मिनट तक। देखिए अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें साबूदाना शामिल कर देंगे, पकाएंगे साबूदाने को अच्छी तरीके से, मिक्स करेंगे साबूदाने को। साबूदाना हमने डाल दिया है, अब ये 10 मिनट से पहले पक जाएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमने चीनी नहीं डाली। जब भी आप कोई मीठा बनाएं या खीर बनाएं तो चीनी पहले नहीं डालें, चीनी हमेशा एंड में डलेगी। हम तो कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं, जो कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं या चीनी यूज कर रहे हैं तो हमेशा मीठा जो है बाद में डालें, वरना अगर आपने पहले डाल दिया तो ये एड जाएगा और बहुत मुश्किल से पकेगा, पकेगा ही नहीं। अभी साबूदाने को पकने के लिए रख देते हैं। साबूदाना अच्छे से गल चुका है, अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, कंडेंस मिल्क डाल देंगे। लेकिन आप मेक श्योर कर लें चीनी डालने से पहले और कंडेंस मिल्क डालने से पहले कि आपके चावल और साबूदाना अच्छे तरीके से गल चुके हों। इसे मिक्स करेंगे। अब इसे 10 मिनट मजीद पकाएंगे ताकि इलायची की अच्छे से खुशबू आ जाए। तो आपने साथ ही साथ मलाई रिमूव करती जानी है और हम इस तरीके से चमचा चलाएंगे तो मलाई बीच में आ जाएगी, खीर में अच्छी सी मिठास आ जाए। और 10 मिनट बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। साबूदाने की खीर रेडी हो चुकी है, अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और फ्रीजर में जाने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। खीर ठंडी हो चुकी है, इसको बाउल में निकाल लिया है, उसको थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। तो देखें तैयार है हमारी मजेदार सी साबूदाने की खीर। तो अगर आप लोग मेरी रेसिपीज को ट्राई करते हैं तो आप लोग उसकी पिक्चर मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया काइंडली फॉलो कर लें। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये मजेदार सी खीर की रेसिपी पसंद आई हो। तो मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। अल्लाह हाफिज़।